हेलो एंड वेलकम टू द क्लास इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का लास्ट चैप्टर लास्ट सेशन इस क्लास में हम पढ़ेंगे. चैप्टर है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस. इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस और इन्हीं एविडेंस के ऊपर ही किसी भी केस का डिसीजन होता है, जजमेंट होता है. एविडेंस बहुत तरीके के होते हैं, सब हमने पढ़ लिए. ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है, प्रिजम्पशन होता है, विटनेस कैसे आते हैं और जो डिसीज होते हैं उनके स्टेटमेंट भी होते हैं, फैक्ट कौन से कंसिडर किए जाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट कौन से होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया. ठीक है, अब बोलते हैं केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई, एविडेंस दिए गए, उस दौरान कभी दो कंडीशन अगर आई सामने, कैसी कंडीशन? या तो एक इस तरीके का एविडेंस था जो कि प्रॉपर था, ठीक है, या फिर एक एविडेंस ऐसा था जो इम्प्रॉपर था. ठीक है, दोनों एविडेंस आ सकते हैं, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एविडेंस आ सकते हैं. तो अगर केस की प्रोसीडिंग के दौरान प्रॉपर एविडेंस को तो रिजेक्ट कर दिया गया और इम्प्रॉपर एडमिशन को ले लिया गया, यानी कि हम इम्प्रॉपर एविडेंस को एडमिट कर लिए हैं, तो क्या होगा? दोनों बातें हैं, प्रॉपर एडमिशन को, प्रॉपर एविडेंस को नहीं लिया गया और जो इम्प्रॉपर एविडेंस था उसको ले लिया गया, तो क्या होगा? इसी बारे में चैप्टर 11 बात करता है. और चैप्टर 11 में सेक्शन 167 कहता है नो न्यू ट्रायल, कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा, कि ऐसा एविडेंस ले लिया गया जो कि नहीं लेना चाहिए था, या फिर ऐसे एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया जिसको लेना चाहिए था, दोनों ही केस में उसके क्या होगा, उस ट्रायल को दोबारा से नहीं किया जाएगा. नो न्यू ट्रायल, नया ट्रायल नहीं होगा. दो बातें कही गई हैं, दो ही इसके पॉइंट हैं. एक तो बता दिया आपको प्रॉपर एविडेंस के केस में क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया, इम्प्रॉपर एविडेंस को ले लिया, तो ना तो उसका नया ट्रायल होगा ना फिर उस जजमेंट को रिवर्स किया जाएगा. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ए और बी दो पार्टीज हैं. जब केस चला, ट्रायल हुआ, उस वक्त ए ने कुछ एविडेंस दिए, बी ने कुछ एविडेंस दिए. जब जजमेंट लिया गया उस वक्त कोर्ट ने क्या किया, उस वक्त ऑब्वियस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो जजेस भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो एरर होने के चांसेस होते हैं. तो जज ने क्या किया, एक ऐसे एविडेंस को दे दिया बी के जो कि शायद इम्प्रॉपर था, ठीक है, और जजमेंट सुना दिया. किसके? ए के अगेंस्ट. ए के फेवर में नहीं आया, ए के अगेंस्ट आया. अब ए ये बोलता है आपने इस एविडेंस को कंसिडर किया जो कि इम्प्रॉपर था. अब क्या बोलेगा ए? बोलेगा जी नहीं, मैं स्वीकार ही नहीं करता जजमेंट को क्योंकि आपने इम्प्रॉपर एडमिशन ले लिया. तो अब क्या करेगा वो? कहता है नया ट्रायल करो, ये जजमेंट रिवर्स करो. दोनों ही काम नहीं हो सकते, ना तो इस बेस पे जजमेंट रिवर्स होगा और ना नया ट्रायल होगा कि आप बोल रहे हैं कि इम्प्रॉपर एडमिशन है. या तो दूसरा केस ए बोले मेरा तो एक प्रॉपर एडमिशन एविडेंस था, वो आपने लिया नहीं और जजमेंट सुना दिया और मेरे फेवर में नहीं हुआ, यानी कि इस एविडेंस को अगर आप ले लेते तो शायद फेवर में आ जाता, शायद आ जाता, पूरी चीज नहीं है कि आ ही जाता. इस एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि जजमेंट जो था बिल्कुल पलट ही सकता था. तो इसमें कह रहे हैं कि ना तो नया ट्रायल होगा और ना ही जजमेंट को रिवर्स किया जाएगा. और इसी सेक्शन में सेक्शन 167 में आगे एक और बात की गई, वो प्रोविजो नहीं है, बात ऐसे ही लिखी गई है क्या कि उस वक्त जो जज होंगे, जो जज साहब होंगे, उनको ये पूरी पूरी देखना है कि जो एविडेंस उन्होंने इम्प्रॉपर था और कंसीडर कर लिया उसको जस्टिफाई करने के लिए बाकी सारे एविडेंस प्रॉपर हैं. इन्हें जजमेंट लेते हुए अगर एक एविडेंस जो इम्प्रॉपर था वो कंसीडर किया गया तो उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाकी सारे एविडेंस जो है वो इतने सॉलिड हैं कि वो जो जजमेंट लिया गया है वो उसको क्या करते हैं, वो उसको जस्टिफाई करने के लिए काफी है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है. दूसरी बात कह रहे हैं कि जो एविडेंस रिजेक्ट किया गया, एविडेंस रिजेक्ट किया हुआ प्रॉपर था, लेकिन अगर वो लिया जाता, क्योंकि उसको हम रिजेक्ट कर दिया था, है ना, लेकिन अगर वो ले लेते तो भी जो जजमेंट लिया है ना वो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला. जैसे ए बोल रहा है कि आपने मेरे लिए एविडेंस नहीं लिया, अगर आप लेते तो शायद ये हो जाता. जजेस देखेंगे कि अगर ये एविडेंस लिया भी जाता ना तो भी जो जजमेंट दिया गया है ए के अगेंस्ट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. तो ये सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है. अच्छा तो फिर क्या होगा? इसमें मतलब कुछ भी रेमेडी नहीं है? रेमेडी है, इसको अपील किया जा सकता है, अपीलेबल है ये सेक्शन, सेक्शन 167 अपीलेबल है, अपील में जा सकता है. लेकिन वहां पर जब
जो पार्टी है जो भी लेके जा रही है अपील में अपेलेंट है, अपेलेंट को ये साबित करना होगा कि ये जो बात कह रहा हूं कि आपने जो है एविडेंस प्रॉपर जो है वो ले लिया या प्रॉपर को रिजेक्ट कर लिया, ऐसा केस में भी जो भी बात वो कह रहा है उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि देयर वाज ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, न्याय के साथ मजाक हुआ है अगर ये एविडेंस लिया गया हुआ है या नहीं लिया गया है, जो भी वो बता रहा है कि न्याय के साथ एक मजाक हुआ है, इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा जो जजमेंट दिया गया था उसको दिखाते हुए जिसके लिए वो अपील कर रहा है। तो दो चीजें उसको वहां पे प्रूफ करनी पड़ेगी एक अगर अपील में जाना है तो सेक्शन 167 के साथ में सीआरपीसी में सेक्शन 465 भी दिया गया है ऐसे ही, और सीपीसी में सेक्शन 99 भी ऐसा ही है। तो सीआरपीसी में सेक्शन 465 में वो भी यही बात कहता है कि अगर ओमिशन हो जाता है मीन्स कुछ छूट जाता है, क्या छूट रहा है, कोई एविडेंस छूट रहा है फिर, या फिर कोई एररली कोई एविडेंस ले लिया जाता है, मतलब इस तरह की कुछ भी अगर होता है एरर तो उस केस में उसको अपील किया जा सकता है, लेकिन वहां पे साबित करना पड़ेगा कि अपील इस बेस पे आ रही है कि जो जजमेंट है वो न्याय नहीं हुआ है, एक्चुअल न्याय नहीं हुआ है, जस्टिस जो है वो डिनाय हुआ है इसकी वजह से इस जो हम कह रहे हैं प्रॉपर एडमिशन ले लिया या प्रॉपर को रिजेक्ट कर दिया, दोनों चीजें सेक्शन 465 इतना कहता है। और सेक्शन 99 सीपीसी का ये बोलता है कि अगर मिसजेंडर ऑफ पार्टीज नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज के उनके होने से तो डिसीजन रिवर्स हो जाता तो क्या होता, तो ये दोनों ही सेक्शन इसके साथ पढ़े जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये दोनों सेक्शन में ही इस चीज से रिलेटेड प्रोविजन है, तो ये हमें साबित हो गया, ये हमें प्रूफ हो गया कि यानी कि ये सेक्शन दोनों ही प्रोसीजर्स पे एप्लीकेबल होता है, चाहे सिविल हो चाहे फिर क्रिमिनल हो। केस तो करते हैं अब्दुल रहीम वर्सेस किंग एम्परर 1946। इस केस में वही तीनों बातें कही गई जो सेक्शन में बताई गई हैं कि अगर कोई इम्प्रॉपर एविडेंस को एडमिट कर लिया जाता है तो इस केस में क्या होगा, या दोबारा से ट्रायल नहीं होगा, या बोले कि एक जो है प्रॉपर एडमिशन को प्रॉपर एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया गया, इन एविडेंस में इनएडमिसिबल था तो उस केस में भी न्याय ट्रायल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट भी यही बोला गया कि जो जजमेंट लिया गया है उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात ये बोली कि जजमेंट लिया गया, बाकी सारे फैक्ट्स को बहुत सारे एविडेंस को कंसिडर किया गया, उसमें से जो ये एविडेंस था इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं डालता, तो ये इस केस में हैंड हुआ था। अब जो नेक्स्ट केस हमारे पास है स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस सांबन गिरा मिहा 1952 का केस, इसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो बात कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको बताऊंगी। ये डिसीजन बॉम्बे हाईकोर्ट का था और ये कर्नाटका हाईकोर्ट का, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बात कही गई थी कि अगर सुनते रहिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट ये कहा गया कि अगर इम्प्रोपर एविडेंस को एडमिट कर लिया जाता है, इम्प्रोपर एविडेंस को एडमिसिबल किया जाता है, मतलब अगर ये होता है तो लेस इंजरियस है जजमेंट के लिए, वो कम खतरनाक है, और जो प्रॉपर एविडेंस है उसको रिजेक्ट किया जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक है। समझ आई बात, अगर इम्प्रोपर एडमिशन को लिया जाता है तो वो कम खतरनाक है एज कम्पेयर टू प्रॉपर एविडेंस जिसको कि रिजेक्ट किया गया उसके कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए आप एक बहुत एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा इसमें, कि जो ट्रेजर हंट होता है, ट्रेजर हंट में क्या हुआ, जब क्लू ढूंढते हैं तो उस क्लू को ढूंढते हुए अगर ढूंढते ढूंढते कोई गलती से कुछ ऐसी चीज उठा ली जो कि हमारे काम की नहीं थी, ठीक है, और उठा करके आगे बढ़ गए, अब बढ़ गए तो याद आया ये तो हमारे काम की नहीं तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर दो आगे बढ़ो। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसी चीज थी जो इम्पोर्टेंट थी हमारे आगे आने वाले टाइम में, टाइम मतलब हमारे हंटिंग के दौरान वो हमें काम आ सकती है तो वो हम पीछे छोड़ के आए तो हमें वापस जाना पड़ेगा और उसको उठाना पड़ेगा फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बस यही बात यहाँ पे वो एग्जाम्पल कोट नहीं किया गया तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि यही बात बोली गई कि अगर ऐसा होता है कि इम्प्रॉपर एडमिशन को ले लिया जाता है और जब जजमेंट लिया जाता है एविडेंस के बेस पे, कोर्ट ये देखते हैं कि इम्प्रॉपर एडमिशन मैंने कर लिया है किसी एविडेंस का तो उसको वहां पर छोड़ देंगे, बाकी एविडेंस को देख लेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कोर्ट कि अगर अरे ये एविडेंस प्रॉपर था ये रिजेक्ट कर दिया गया तब उस केस में क्या होगा, फिर रिकोर्स टू प्रोसीडिंग होगा, यानी प्रोसीडिंग्स पे फिर चलना पड़ेगा जजमेंट लेने से पहले, जजमेंट लेते वक्त कोर्ट कंसीडर जजमेंट ले लिया तो फिर ये बात आ गई कि नया ट्रायल होगा, लेकिन जजमेंट लेते हुए उस वक्त ये बात दिमाग में आ गई, उस वक्त ये बात प्रूफ हो गई कि कहीं पीछे एक एविडेंस छोड़ा गया जो कि प्रॉपर था तो उस केस में क्या होगा, प्रोसीडिंग्स को दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं इसीलिए कि रिजेक्शन ऑफ प्रॉपर एविडेंस ज्यादा डेंजरस है ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू इम्प्रॉपर एडमिशन को जो हमने ले लिया, तो यहाँ पर इस केस में ये हैंड हुआ। फिर नारायण एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का केस,
इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ऐसा हुआ कि एक विटनेस को प्रोसिक्यूशन लेके आया, विटनेस रेडी नहीं था देने के लिए, विटनेस गवाही देने के लिए रेडी नहीं था। तो अभी क्या हुआ, वो वहां जाके कहता है कि मैं नहीं देना चाहता हूँ गवाही, तो प्रोसिक्यूशन उसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप का मतलब क्या देते हैं कि ठीक है जब ये नहीं रेडी तो फिर कैसे हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो ड्रॉप कर दिया गया, उसके एविडेंस को वहां से हटा दिया, उसकी गवाही को हटा दिया गया। तो कहना क्या मतलब ये है कि सेक्शन 167 इस चीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऐसा माना जाएगा कि वो विटनेस कभी पेश हुआ ही नहीं था, कि वो विटनेस कभी पेश हुआ ही नहीं था, जिसको कि प्रोसिक्यूशन ने खुद ड्रॉप किया, उसको माना जाएगा कि वो विटनेस आया ही नहीं था, उसको ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि रिजेक्शन हुआ उसका, वो तो ड्रॉप आउट है। मींस उसने तो कभी परीक्षा में बैठा ही नहीं, जो परीक्षा में बैठा ही नहीं कैसे मान लेंगे कि वो होता तो पास हो जाता। अगर कोई व्यक्ति किसी एक कोर्स में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेते हुए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कहता है जी मुझे तो लग रहा है मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं नहीं एग्जाम दूंगा, वहीं से वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो अब हम कैसे मान लेंगे कि वो टॉपर होता है ना, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे ना। अब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे ट्वेल्थ उस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स थे, अरे अगर वो आगे बढ़ता तो वो टॉप करता, कैसे मान लेंगे, उसने तो एग्जाम ही नहीं दिए, फर्स्ट सेमेस्टर के ही नहीं दिए। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि जब व्यक्ति ने एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ उसका, विटनेस बन उसने ड्रॉप कर दिया अपने आप को, जब वो आगे पढ़ा ही नहीं, उसने गवाही दी ही नहीं, तो सेक्शन 167 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीन केस लॉज सेक्शन 167, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी एक नई क्लास बनानी पड़ी मेरे को। कोई बात नहीं, इट वॉज ए वेरी गुड मोमेंट फॉर मी लाइक ऑलवेज। आप जब भी कुछ नया सीखने को मिलता है, आपको नया बोलने को मिलता है, तो अच्छा ही लगता है। तो मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा एविडेंस एक्ट आप सबके साथ शेयर करने का। होप आपके साथ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला हो और आपको क्लासेस समझ आई हो। आगे हम सीआरपी से स्टार्ट करेंगे, तो बी देयर विद मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।